हेलो बच्चों बच्चों, हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन को स्टडी कर रहे थे पिछले लेक्चर में। अभी तक हम लोग एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और पिछले लेक्चर में हमने बहुत बेसिक बेसिक बातें की थी। ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, इस पर हमने चर्चा किया था। और रोटेशनल मोशन में हर एक पार्टिकल जो है रिजिड बॉडी का, वो किस तरीके से रोटेट करता है, किस तरीके से घूमता है, किस तरीके से मोशन में होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब देखिए, वैसे तो हमने अभी तक जो भी पढ़ा है, न्यूटन के हमने लॉज जो पढ़े हैं, वहां से लेकर सारी चीजें जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, उनमें हम हर चीज को हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया है, पॉइंट मास की तरह ट्रीट किया है। और अब अचानक से हम लोग एक एक्सटेंडेड बॉडी, यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस आप कह सकते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब एक मन में सवाल उठता है कि यार, क्या जिस तरीके से एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर न्यूटन के सारे लॉज वैलिड होते हैं, क्या सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए न्यूटन के वो लॉज वैलिड होंगे या नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो नए लॉज क्या होंगे। खैर, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक है जो कि आज हम कवर करने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास। इसको अगर आप लोग समझ जाते हैं तो इसके थ्रू हम लोग ये भी समझ जाएंगे कि एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर जो डायनेमिक्स लग सकता है और जो एक्सटेंडेड बॉडी के ऊपर जो डायनेमिक्स लग सकता है, वो दोनों सेम होंगे अगर उसमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करें तो। अच्छा, अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल या फिर एक पार्टिकल, उन दोनों के लिए सेम डायनेमिक्स अगर लग सकता है, इसका मतलब कि न्यूटन के जो लॉज हैं वो सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी, यानी एक रिजिड बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए भी वैलिड होंगे। तो वही कॉन्सेप्ट आज हम लोग अपना क्लियर करेंगे, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ मास एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कि हम ऐसा मान सकते हैं कि सारा का सारा जो मास है उस बॉडी का, वो उसी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड हो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच द एंटायर मास इज सपोज टू बी कंसिडर्ड ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, और उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट होगा उस बॉडी के अंदर जहां पर कि ऐसा हमें लगेगा एज इफ कि उस पूरे बॉडी का सारा मास उसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए ये व्हाइट बोर्ड आपके सामने है, अगर इस व्हाइट बोर्ड का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर हुआ तो क्या होगा? तो ऐसा होगा, ऐसा लगेगा जब ये मूव करेगा तब ऐसा लगेगा एज इफ कि इस पूरे बोर्ड का सारा मास सिर्फ इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर इस तरीके का कोई पॉइंट हम किसी भी एक रिजिड बॉडी के लिए फाइंड कर सकते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहेंगे। देखिए, सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल के डायनेमिक्स को एक सिंगल पार्टिकल के डायनेमिक्स से रिलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे आने वाले जो दो तीन क्लासेस होंगे जो सेंटर ऑफ मास पर आधारित हैं, उसमें जब आप पढ़ेंगे वहां पर धीरे धीरे चीजें क्लियर होने लगेंगी कि सेंटर ऑफ मास कोई एक्चुअल पॉइंट नहीं है, ये एक इमेजिनरी पॉइंट है जहां पर कि ऐसा लगता है एज इफ के इस पूरे बोर्ड का सारा मास यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, फिर मैंने ये भी लिखा है कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए जो सेंटर ऑफ मास है वो एक ऐसा पॉइंट होगा, या फिर यूं कहिए कि अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा जैसे कि एक छोटा सा पॉइंट आपको दिख रहा है और ऐसा आपको लग रहा है एज इफ कि वो जो छोटा सा पार्टिकल है उस सिस्टम के अंदर, छोटा सा पार्टिकल है वो सिस्टम के साथ कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है एज इफ कि सारा का सारा मास उस सिस्टम का उसी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है, और ऐसा भी लग रहा है एज इफ कि सारा का सारा जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट पर लग रहा है। इमेजिनरीली ऐसा लगता है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट
दैट मूव्स इन सच अ मैनर एज इफ द टोटल मास ऑफ बॉडी इज प्रेजेंट एट दैट पॉइंट एंड टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स एट दैट पॉइंट. सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कि ऐसा लगता है एज इफ कि पूरा का पूरा मास जो है ना वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है. जब पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल आपका मूव करता है तो उसके अंदर जो सेंटर ऑफ मास वाला जो पॉइंट है वो भी मूव करेगा. तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल के साथ कुछ इस तरीके से मूव करता है एज इफ कि सारा का सारा मास उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का उसी सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है और सारा का सारा फोर्स जो आप उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर लगा रहे हैं ऐसा लगता है एज इफ कि सारा का सारा फोर्स सिर्फ उसी पॉइंट के ऊपर लग रहा है, उस इमेजिनरी पॉइंट के ऊपर लग रहा है. अगर ऐसा डायनेमिक्स आपको देखने को मिले, अगर ऐसा पॉइंट आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल में नजर आए तो आप कहेंगे कि वो पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ मास है. अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग दो पार्टिकल लेंगे, उस दो पार्टिकल के लिए वन डायमेंशन में सेंटर ऑफ मास का पॉइंट फाइंड करेंगे, टू डायमेंशन में, थ्री डायमेंशन में फाइंड करेंगे, फिर तीन पार्टिकल लेंगे उसके लिए फाइंड करेंगे, एन नंबर ऑफ पार्टिकल लेंगे उसके लिए फाइंड करेंगे, एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी लेंगे उसके लिए फाइंड करेंगे. ये सारी चीजें हम लोग आज करने जा रहे हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा जाएगा तो आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. चलिए बच्चों हम लोग सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम के लिए देखते हैं. ठीक है, दो पार्टिकल हैं और दो पार्टिकल अलग अलग जगह पर प्रेजेंट हैं, उसके लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे. तो उसे कुछ केसेस हैं, तीन केसेस हम लोग देखेंगे. ठीक है, पहला केस है वन डायमेंशन. ठीक है, जैसे सपोज करिए कि यह हमारा एक्स एक्सिस है. ठीक है बच्चों, हमारा एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस का ओरिजिन है. क्या है ये एक्स एक्सिस का ओरिजिन? ठीक है, और ये एक पॉइंट है ए पॉइंट जिसका, और ये एक पॉइंट है बी पॉइंट. ठीक है, ए पॉइंट पर मान लीजिए कि हमने एम वन मास के एक पार्टिकल को रखा है और बी पॉइंट पर हमने एम टू मास के एक पार्टिकल को रखा है. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमने एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर रखा है, उस स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट है ए और बी. पहले पॉइंट पर हमने एक पार्टिकल जिसका मास m1 है उसे रखा है, दूसरे पॉइंट पर दूसरा पार्टिकल जिसका मास m2 है उसे रखा. देखिए ये दो पार्टिकल है ना, दो पार्टिकल का सिस्टम है, यही देखिए हम टू पार्टिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है. तो देखिए जो ए पॉइंट है इसका ओरिजिन से पोजिशन है एक्स वन, और जो B पॉइंट है इसका ओरिजिन से पोजीशन है X2, राइट? ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो सेंटर ऑफ मास को हम लोग कैपिटल X सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, सेंटर ऑफ मास को बच्चों हम लोग कैपिटल X सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल X सिंबल से. ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा. इसका फॉर्मूला होगा पहले पार्टिकल का मास m1 और इसका पोजीशन x1. तो पहले पार्टिकल का मास और उसके पोजीशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैसे दूसरे पार्टिकल का मास m2 और इसका पोजीशन x2. ठीक है, दूसरे पार्टिकल के मास और पोजीशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद फिर दोनों को एड कर दीजिए. ठीक है, और फिर इस पूरे सिस्टम का जो टोटल मास है उस टोटल मास से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, m1 प्लस m2, राइट? ये आपका सेंटर ऑफ मास निकल कर आ जाएगा वन डायमेंशन में इस दो पार्टिकल का. क्लियर है बच्चों, समझ रहे हैं क्या किया मैंने? हमने कंसीडर किया m1 मास जिसका पोजीशन x1, m2 मास जिसका पोजीशन x2, ये एक सिस्टम बना रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है. तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं मान लीजिए कि यहां पर लाई कर रहा है, लेट अस से ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है x. तो ये सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो कैसे निकालेंगे? तो m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2. क्लियर है, ये आपका केस वन हो गया वन डायमेंशन का. इसमें एक स्पेशल केस है, ये भी देख लेते हैं. स्पेशल केस,
स्पेशल केस क्या है बच्चों? स्पेशल केस ये है कि अगर दोनों मासेस जो इस सिस्टम में हैं अगर वो बराबर हुए, m1 m2 दोनों बराबर है, मान लीजिए m के बराबर है, ठीक है, अगर m1 m2 किसके बराबर है, m के बराबर है, उस कंडीशन में क्या होगा सेंटर ऑफ मास? तो देखिए उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास x क्या है, m1 की जगह हम लोग m लिखेंगे तो mx1, m2 की जगह भी m लिखेंगे तो प्लस mx2 अपॉन, यहां भी m तो m प्लस m हो जाएगा 2m, राइट बच्चों? यहां से देखिए m अगर मैं कॉमन ले लूं तो कितना आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन, देखिए 2m में 2 मैं अंदर लिख रहा हूं और m को मैं बाहर लिख रहा हूं तो m और m कैंसिल हो जाएगा ना, तो उस कंडीशन में जो x है वो आपका आ जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन 2। और नोटिस करिए कि m1 प्लस m2 अपॉन 2 क्या है, ये बेसिकली इन दोनों पोजीशन का मिड पॉइंट है। अगर दोनों मासेस सेम होंगे तब इनका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे लाई करेगा, अगर ये मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये मास अगर ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका वन डायमेंशन में सेंटर ऑफ मास है टू पार्टिकल सिस्टम का। उसी तरीके से मैं केस टू देख रहा हूं, केस टू है बच्चों टू डायमेंशन की बात करते हैं हम लोग, कितने डायमेंशन की बात करते हैं, टू डायमेंशन, टू डायमेंशन में इस तरीके से मैं बना रहा हूं जैसे एक टू डायमेंशन है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है बच्चों और ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये टू डायमेंशन में सपोज करिए कि हमारे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ठीक है, ए पॉइंट पर m1 मास प्रेजेंट है और बी पॉइंट पर m2 मास प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है, ए पॉइंट का जो कोई ना कोई पोजीशन होगा ना। अच्छा ये टू डायमेंशन में है, हमने जैसे जैसे वन डायमेंशन में इसके पोजीशन को हमने एक कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया है, वैसे टू डायमेंशन में दो कोऑर्डिनेट चाहिए होगा एक्स कॉमा वाई, तो ये हो जाएगा आपका x1 कॉमा y1 और ये हो जाएगा आपका x2 कॉमा y2। क्लियर है? ये हमारा एक टू डायमेंशन है, इस टू डायमेंशन में हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, ए पॉइंट का मास है m1, बी पॉइंट का मास है m2, ए पॉइंट का पोजीशन कितना है x1 कॉमा y1, बी पॉइंट का पोजीशन है x2 कॉमा y2। अब आपसे अगर सेंटर ऑफ मास पूछे तो बच्चों अगर ये दो पार्टिकल टू डायमेंशन में लाई कर रहे हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास भी टू डायमेंशन में लाई करना चाहिए। मान लीजिए उस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, उसका कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो कैपिटल एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल एक्स निकालने का फॉर्मूला है, जैसे एक्स एक्स निकालने का फॉर्मूला हम सीख चुके हैं ना, कैसे निकालेंगे, पहला मास m1 मल्टीप्लाइड बाय इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 प्लस दूसरा मास m2 मल्टीप्लाइड बाय उसका एक्स कोऑर्डिनेट x2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है? वैसे ही जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, पहला मास m1 उसका y कोऑर्डिनेट y1, दूसरा मास m2 उसका y कोऑर्डिनेट y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है बात, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया उसके सेंटर ऑफ मास का। अब देखिए अब इसमें फिर से हम लोग क्या लेने जा रहे हैं बच्चों, स्पेशल केस लेने जा रहे हैं। स्पेशल केस की अगर हम बात करें, स्पेशल केस क्या है, अगर m1 m2 के बराबर होगा, क्या है, अगर m1 m2 के बराबर, यानी ये m के बराबर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x क्या हो जाएगा बच्चों, x हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, राइट, और y क्या होना चाहिए, y हमारा हो जाएगा उसी तरीके से यहां पर y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी यहां पर क्या मिल रहा है भाई, इन दोनों
लाइन का जो मिड पॉइंट है वहां पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। क्लियर है? ये दो डायमेंशन है, दो केसेस आपने कर लिए। अब उसी तरीके से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग एन नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए केस करते हैं। अच्छा, एन नंबर ऑफ पार्टिकल अलग करेंगे, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था। अब टू पार्टिकल सिस्टम के लिए थ्री डायमेंशन देखते हैं, ठीक है बच्चों? अब मैं यहां पर देखिए, जैसे सपोज करिए आपका ये थ्री डायमेंशन है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, इसके परपेंडिकुलर आपकी तरफ जेड एक्सेस, लेकिन बोर्ड में इस तरीके से दिखा रहे हैं, ठीक है? ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, ठीक है? यहां पर सपोज करें कि तीन पार्टिकल है, एक पार्टिकल है ए पॉइंट पर, एम वन मास का पार्टिकल, एक पार्टिकल है बी पॉइंट पर, एम टू मास का पार्टिकल, और एक पार्टिकल मान लीजिए है सी पॉइंट पर, एम थ्री मास का पार्टिकल, ठीक है? जो एम वन मास का पार्टिकल है इसका पोजीशन है एक्स वन कॉमा वाई वन, एम टू मास के पार्टिकल का पोजीशन एक्स टू कॉमा वाई टू, और इसका पोजीशन x3 सॉरी x1 y1 z1, इसका x2 y2 z2, और वैसे इसका x3 कॉमा y3 कॉमा z3, ठीक है? तो ये तीन पार्टिकल्स सॉरी दो ही पार्टिकल हम कंसीडर, दो पार्टिकल, तीसरे पार्टिकल को छोड़ दीजिए, ठीक है? ये दो पार्टिकल है इसका पोजीशन है। अब इसका x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये तीनों पार्टिकल, दोनों पार्टिकल थ्री डायमेंशन में लाई कर रहे हैं, इसलिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होना चाहिए बच्चों? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हो जाएगा कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई कॉमा कैपिटल जेड। क्यों? देखिए, दोनों पार्टिकल खुद ही थ्री डायमेंशन में लाई कर रहे हैं, तो इनका सेंटर ऑफ मास भी थ्री डायमेंशन में ही लाई करना चाहिए। तो चलिए जरा हम लोग देखते हैं थ्री डायमेंशन। अब इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है? थ्री डायमेंशन में एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स क्या होना चाहिए बच्चों? ठीक है, आप एक बार अगर खुद से ट्राई करना चाहते हो खुद से ट्राई करिए। किया बच्चों आप लोगों ने खुद से ट्राई? देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये लिखा है। y कोऑर्डिनेट हो जाएगा एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, राइट? और z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? एम वन जेड वन प्लस एम टू जेड टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ठीक है? आप लोगों ने होप यही लिखा है। स्पेशल केस भी अगर नहीं लिखा है, स्पेशल केस भी लिखिए आप लोग वीडियो पॉज करके। स्पेशल केस क्या है बच्चों? इफ एम वन एम टू ये दोनों बराबर हैं एम के बराबर है, तो उस केस में एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, राइट? वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों? जेड वन प्लस जेड टू अपॉन टू। क्लियर है? ठीक है ना? चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब जैसे हमने टू पार्टिकल सिस्टम के लिए किया है, वैसे अब हम लोग थ्री पार्टिकल सिस्टम के लिए तीनों केसेस करेंगे, फिर एन पार्टिकल सिस्टम के लिए तीनों केसेस करेंगे, ठीक है? तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए बच्चों, सेंटर ऑफ मास थ्री पार्टिकल सिस्टम के लिए लिखना है फटाफट। हम लोग अब समझ गए हैं, टू पार्टिकल सिस्टम से आइडिया हो गया है, थ्री पार्टिकल सिस्टम को फटाफट हमें करना है, ठीक है? चलिए, केस वन हमारा है, केस वन मैं ले रहा हूं वन डायमेंशन के लिए। वन डायमेंशन में मान लीजिए ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, ये ओरिजिन है, ये ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट,
ठीक है, ये पार्टिकल इसका मास m1, इसका m2, इसका m3, पहले वाले पार्टिकल का पोजीशन x1, दूसरे वाले पार्टिकल का पोजीशन x2, तीसरे वाले पार्टिकल का पोजीशन x3। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा। सेंटर ऑफ मास, इसका क्या होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को एक्स कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बच्चों? फटाफट से आप लोग लिखिए इसको, कितना होगा? m1x1 + m2x2 + m3x3 / m1 + m2 + m3, है ना। हर पार्टिकल का पोजीशन और उसके मास को मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दिया और टोटल मास से आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से स्पेशल केस में क्या हो जाएगा? स्पेशल केस हमारा है, स्पेशल केस है कि अगर m1, m2, m3, अभी तीनों मास अगर m के बराबर है, ठीक है, तीनों मासेस कितने हैं? m के बराबर हैं, तो उस केस में x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? देखिए सबकी जगह m लिख दूंगा मैं, तो m into x1 + m into x2 + m into x3 / m + m + m, यानी कि 3m। तो देखिए यहां से m अगर कॉमन चला जाएगा तो बचा कितना? m1 + m2 + m3 / ये कितना? 3m है बच्चों, सॉरी x1 + x2 + x3, x1 + x2 + x3। ये m से m कट गया बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या हो जाएगा? x1 + x2 + x3 / 3। ठीक है, क्लियर है? ये आपका वन डायमेंशन है केस का। वैसे ही टू डायमेंशन का केस भी लिखिए वीडियो पॉज करके आप लोग। केस टू मैं ले रहा हूं टू डायमेंशन, ठीक है, टू डायमेंशन बनाते हैं जरा। ये आपका एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। तीन पार्टिकल है ए बी, और कहीं भी आप अपने मर्जी से पॉइंट मार्क कर दीजिए ए बी सी। ए का पोजीशन कितना है? x1, y1। बी का पोजीशन x2, y2। और सी का पोजीशन x3, y3, है ना। ए का मास m1, बी पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसका मास m2, सी पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसका मास m3, राइट? m1, m2, m3। अब जरा इसको करते हैं, दो दो कोऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए? देखिए टू डायमेंशन में लाई कर रहे हैं पार्टिकल्स, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करना चाहिए? सेंटर ऑफ मास भी टू डायमेंशन में लाई करना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा x, y, z, राइट बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए ये बताइए। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके लिखा है खुद से। एक्स कोऑर्डिनेट होगा m1x1 + m2x2 + m3x3, राइट, डिवाइडेड बाय m1 + m2 + m3। लिखा है ये, चेक कर लीजिए। y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए इसका? m1। ये सब हम लोग यूज करेंगे अभी अगले लेक्चर में, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये सब हम लोग यूज करेंगे। m1 y1 + m2 y2 + m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 + m2 + m3, राइट। वैसे ही z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m1 z1 + m2 z2 + m3 z3 डिवाइडेड बाय m1 + m2 + m3, होगा बच्चों, राइट। अच्छा उसी तरीके से स्पेशल केस की अगर बात करें, यहां भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अब इतना आइडिया हो गया होगा आपको। स्पेशल केस में हम लोग क्या लेते हैं? अगर m1 m2
एम थ्री, ये सब m के बराबर हो गए। अच्छा सॉरी, ये z नहीं आया यहां पर, राइट, z नहीं आया, ये टू डायमेंशन है, टू डायमेंशन में x और y आएगा बस, ठीक है। स्पेशल केस, अगर m1 m2 m3 तीनों m के बराबर हुए तब x कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, फटाफट से लिखिए आप लोग वीडियो पॉज करके, कर लिया, आई होप आपने कर लिया है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका x1 plus x2 plus x3 upon 3, और ये हो जाएगा आपका y1 plus y2 plus y3 upon 3, राइट। एक तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको नोट करिए, कहीं मिस्टेक किया फटाफट से नोट करिए। चलिए बच्चों ये केस थ्री है, इसको भी देखते हैं। ये सेंटर ऑफ मास थ्री पार्टिकल सिस्टम के लिए, तो थ्री डायमेंशन बनाते हैं, ये आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, राइट, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, तीन पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल ए पॉइंट पर मास एम वन, एक पार्टिकल बी पॉइंट पर मास एम टू और एक पार्टिकल सी पॉइंट पर मास एम थ्री, ठीक है। ए पॉइंट पर जो पार्टिकल है इसका पोजीशन x1, y1, z1, बी पॉइंट वाले का x2, y2, z2 और सी पॉइंट पर x3, y3, z3, क्लियर है। चलिए इसका हम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं। ये तीनों पार्टिकल थ्री डायमेंशन में लाई कर रहे हैं, इसीलिए इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी थ्री डायमेंशन में लाई करना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास जो है बच्चों इनका, उसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करें, एक्स कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई कॉमा कैपिटल जेड, ठीक है। चलिए तो सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, एक बार आप लोग ट्राई करिए खुद से लिखिए। कर लिया बच्चों, आई होप आप लोगों ने कर लिया है। स्पेशल केस भी इसका देखना है, स्पेशल केस भी लिखना है आप लोगों को। एक्स कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, राइट। वाई कोऑर्डिनेट एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ठीक है। जेड क्या हो जाएगा एम वन जेड वन प्लस एम टू जेड टू प्लस एम थ्री जेड थ्री अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ठीक है। लिखा आप लोगों ने स्पेशल केस में, देखिए क्या लिखा आप लोगों ने स्पेशल केस में, यह है कि इफ m1, m2, m3 ये सब m के बराबर हो जाते हैं तो उस केस में x क्या हो जाएगा x1 plus x2 plus x3 upon 3, राइट। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y1 plus y2 plus y3 upon 3 और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों z1 plus z2 plus z3 upon 3, ठीक है, क्लियर है। तीन पार्टिकल सिस्टम को भी हमने थ्री डायमेंशन में देख लिए हैं। अब एक हम लोग n पार्टिकल सिस्टम को थ्री डायमेंशन में देखेंगे। तो आज हमारा सेंटर ऑफ मास का जो टॉपिक है वो डिस्क्रीट यानी फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास कर लेंगे हम लोग। अगला लेक्चर जो है हमें न्यूमेरिकल तो करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक छोटा सा लेक्चर करेंगे जिसमें कि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल का होगा, यानी उसमें m1, m2, x1, x2, x3 पोजीशन अलग अलग नहीं होगा, पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली होंगे। एक एक रॉड है उसमें कॉन्टिन्यूअस पार्टिकल प्रेजेंट, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल, उस केस में कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं वो सीखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग n पार्टिकल सिस्टम करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
तो बच्चों हम लोग n पार्टिकल सिस्टम के लिए 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन तीनों देखेंगे और एक नए तरीके से लिखना भी सीखेंगे किस तरीके से उस फॉर्मूले को लिखते हैं। ठीक है, तो सपोज करें कि हमारे पास ये एक 1 डायमेंशन है, ये ओरिजिन है, मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है। ठीक है, पार्टिकल्स इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। पॉइंट लेते हैं ए, ऐसे ही बी, ऐसे करते करते कोई कोई पॉइंट होगा पी जहां पर कि एनएफ पार्टिकल होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये मास है एम वन, ये मास है एम टू, वैसे ही एम थ्री एम फोर ये सब मैंने शो नहीं किया है, फिर वैसे ही यहां पर एम एन मास। ठीक है, मान लेते हैं इसका पोजीशन है एक्स वन, इसका पोजीशन है एक्स टू और वैसे ही एनएफ पार्टिकल का पोजीशन है एक्स एन। क्या सिर्फ तीन ही पार्टिकल है? नहीं, अच्छा सॉरी इसको एम टू लिख दिए। क्या सिर्फ तीन ही पार्टिकल है? नहीं, बहुत सारे पार्टिकल, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। एम थ्री एम फोर एम फाइव ये सब मैंने यहां पर शो नहीं किया है आपको, तो क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स वन डायमेंशन में, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास भी वन डायमेंशन नहीं होगा। राइट बच्चों, सेंटर ऑफ मास जो है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट को लिखे कैसे भाई? पहला पार्टिकल एम वन मास का, इसका पोजिशन एक्स वन, दूसरा पार्टिकल M2 मास का, इसका पोजीशन X2, वैसे तीसरा पार्टिकल M3 मास का, इसका पोजीशन X3। ऐसे ही करते करते जो nth पार्टिकल है जिसका mn मास है और उसका पोजीशन है xn, डिवाइडेड बाय, ठीक है, सारे मासेस को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 और ऐसे ही करते करते mn। राइट, अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से। ये नीचे डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर हमारा है सारे मासेस का सम, तो इसको हम लिखेंगे समेशन एम आई। क्या लिखेंगे बच्चों? समेशन एम आई, जहां आई कहां से कहां तक वेरी हो रहा है? आई वन से लेकर और एन तक वेरी कर रहा है, वन से फिर टू थ्री ऐसे करते करते एन तक। अच्छा, ऊपर वाला क्या लिखेंगे? ऊपर वाला हम लोग लिखेंगे समेशन, यहां पर मास और पोजिशन का प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा एम आई एक्स आई। राइट, जहां आई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? वन से लेकर एन तक। और याद रखिएगा ये एम आई और ये एम आई कैंसिल नहीं हो सकते हैं। क्या यहां पर एम वन को एम वन से, एम टू को एम टू से कैंसिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, इसलिए ये कैंसिल नहीं होगा, ये आपका वन डायमेंशन का निकल कर आ गया। ठीक है, उसी तरीके से डायरेक्टली स्पेशल केस लिख लेते हैं। स्पेशल केस में बच्चों, स्पेशल केस में हम, हमारा एक्स क्या हो जाएगा? इन सब में से एम को हम लोग कॉमन ले लेंगे। राइट, तो एम ये बचा कितना? एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री और ऐसे ही करते करते लास्ट में एक्स एन। राइट, डिवाइडेड बाय ये एन टाइम्स एम मास होगा, सारे मासेस सेम है, तो ये हो जाएगा एम इंटू एन, M से M मास कट जाएगा, जो X पोजीशन है बच्चों ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा X1 प्लस X2 प्लस X3, ऐसे करते करते आपका XN डिवाइडेड बाय N। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं समेशन, ये 1 अपॉन N तो इधर रहेगा ही, समेशन XI फ्रॉम I इज इक्वल्स टू 1 टू N। लेकिन ये कब होगा? यहां पर मास आपका नहीं आ रहा, कब नहीं आ रहा है? जब सारे मासेस बराबर है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम टू डायमेंशन में देखते हैं। अच्छा बच्चों, चलिए अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मास एम वन M2, M3, ऐसे करते करते Mn, इतने सारे पार्टिकल्स हैं। M1 मास का पोजीशन है X1, Y1, M2 मास का है X2, Y2, ऐसे करते करते M3 का है X3, Y3 और ऐसे करते करते Mn का है Xn, Yn। ठीक है बच्चों, ये टू डायमेंशन में, तो सेंटर ऑफ मास भी तो टू डायमेंशन में ही लाई करेगा। अगर इसके सारे पार्टिकल्स टू डायमेंशन में लाई कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी टू डायमेंशन में लाई करना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास जो हमारा है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा वाई हो
होना चाहिए। तो इसका x कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए m1 मास x1 कोऑर्डिनेट, तो m1 x1, वैसे ही m2 मास x2 कोऑर्डिनेट, तो प्लस m2 x2, m3 मास x3 कोऑर्डिनेट, और ऐसे ही करते करते बच्चों mn मास और xn कोऑर्डिनेट। इसको किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, इसको हम डिवाइड करते हैं सारे मासेस से, यानी m1 प्लस m2 प्लस m3, और ऐसे ही करते करते आखिर में हम लोग mn से डिवाइड कर लेंगे, राइट। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग समेशन, मास और पोजीशन का प्रोडक्ट लिया है तो mi xi, जहां i कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 से लेकर n तक, डिवाइडेड बाई नीचे सिर्फ मास है तो समेशन mi, जहां i 1 से n तक वेरी करेगा। अच्छा समेशन का मतलब क्या होगा, पहले i की जगह 1 पुट करिए, m1 x1 आ गया, फिर आप प्लस पुट करिए, फिर i की जगह 2 पुट करिए तो m2 x2 आ जाएगा, फिर प्लस पुट करिए, फिर i की जगह 3 एंड सो ऑन, ठीक है। वैसे y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, ऐसे ही करते करते आपका mn yn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 और ये लास्ट में mn। यानी इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे समेशन mi yi डिवाइडेड बाय समेशन mi, यहां i हमारा 1 से n तक जाएगा, यहां i हमारा 1 से n तक जाएगा, क्लियर है। चलिए थ्री डायमेंशन का आप खुद ही लिखिए, इसको मैं फिर इसी में मैं थ्री डायमेंशन को इंक्लूड कर लूंगा, आप पहले खुद से लिखिए थ्री डायमेंशन का। चलिए बच्चों टू डायमेंशन वाले में ही मैं थ्री डायमेंशन में थोड़ा चेंज कर रहा हूं, थ्री डायमेंशन केस में क्या हो जाएगा, ये मासेस तो सेम रहेंगे, इनका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 और ऐसे ही करते करते xn yn और zn, यही कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या हो जाएगा, x कॉमा y कॉमा z, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, z कोऑर्डिनेट को मैं यहां लिख दे रहा हूं, z का कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 z1 प्लस m2 z2, ऐसे ही करते करते mn zn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। आप यहां पर m3 z3 भी लिख देते हैं, डॉट डॉट लिख दिया यानी कि वो उसमें इंक्लूड हो गया, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा समेशन mi zi डिवाइडेड बाय समेशन mi, जहां i हमारा नीचे भी 1 से n तक वेरी कर रहा है, ऊपर भी 1 से n तक वेरी कर रहा है, क्लियर है बच्चों। ये थ्री डायमेंशन में था, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, कहीं मिस्टेक किया है तो नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों तो सेंटर ऑफ मास का आज का जो लेक्चर है मैं यहीं पे रोक रहा हूं, लेकिन सेंटर ऑफ मास हमारा खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने जैसे इसको स्केलर फॉर्म में लिखा है वैसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, और कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए भी सेंटर ऑफ मास हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर अगला लेक्चर भी हमारा पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड होगा, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट। तो आज के लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, फिर अगले लेक्चर में जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया है, तो इसको प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, 3-4 बार अपने एंड से प्रैक्टिस कर जाइएगा तो फिर अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। चलिए बच्चों आज हम लोग यहीं पर रोक रहे हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको आई होप आपने नोट कर लिया, आपने खुद से ही किया होगा, ठीक है, चलिए बाय।